हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में मैथ की एक्सरसाइज लेकर के आए हैं 1.3। इससे पहले हमने 1.1 1.2 दोनों अपलोड कर दी हैं चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। देखिए, आज जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें क्या करना है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। इसमें क्या है, आपको ये जो है ये आपको सम करना है, लेकिन इसमें आपको कुछ जनरल रूल लिखने हैं। जैसे देखिए, आपको क्या इस जो भी नंबर दिया है इसके राउंड ऑफ नंबर जो हैं उसको लिख करके ऐड करना है। जैसे मान लिया 730 है ना, 730 है, तो इसका जो राउंड ऑफ नंबर होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 700। ठीक, अगर 7 के बाद में कोई नंबर है वो 50 से लेस है तो वो 700 होगा, या जैसे 630 होता तो 600 होगा। अगर जैसे दूसरा नंबर है आपका 918, तो इसका जो राउंड ऑफ नंबर होगा वो कितना होगा, 1000 यानी 1000। क्यों, क्योंकि ये जो सेकेंड नंबर है ना, ये जो है ये आपका 50 से ज़्यादा है। अगर 50 से कम है तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा उसी का 100 होगा, अगर नहीं तो उसमें 100 प्लस होगा जो भी नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे पहला दिया है 730, तो उसका 700 हो गया और ये हो गया आपका 900। तो ये आपको समझ में आ गया, ये जनरल रूल है। वैसे ही इसमें देखिए, सेकंड वाले में इसकी एक्सरसाइज हमने नीचे की है, यहाँ पे आपको हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे देखिए, दूसरा वाला जो है 796 है, तो इसमें 800 होगा क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है। ठीक है, 314 है तो यहाँ पर क्या होगा, 300 होगा। ठीक, तो इस तरीके से दूसरे में क्या है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। यहाँ पर भी आपको नियरेस्ट 100 से लिख करके फिर ऐड करना, एंड आल्सो ये क्लोजर एस्टिमेट बाय द राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, मतलब 100 और टेंस दोनों के नियरेस्ट रहना है। ठीक है, तो देखो 100 का क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा टेंस यहाँ पर, तो टेंस में क्या है आपका, यहाँ पर टेंस में है 439, तो 39 है ना, तो इसको 400 होगा क्योंकि ये 50 से लेस है और यहाँ पे हमें टेंस से करना है। फिर यहाँ पे जैसे 334 है तो ये भी 300 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4300 होगा, है ना, 4300। ठीक, तो ये है, तो अगला हम अब देखते हैं इसमें एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसे ही हमको मल्टीप्लाई वाले में भी करना है, ऐसे ही हमें देखिए ये दिया गया है आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है लिखा है, जैसे 730 राउंड ऑफ कितना होगा, 700, और 998 का राउंड ऑफ कितना होगा, 1000। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1700। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बी वाले में देखिए 7996 है ना, तो इसका राउंड ऑफ नंबर कितना हुआ, 800। हमने बोला ना, अगर 50 से ज़्यादा है, टेंस में नंबर 50 से ज़्यादा है तो आपको उसमें प्लस करना होगा 100। ठीक है, 314 है तो 300, तो कितना आया, 500 इसका आंसर हो गया। तो ये आपका है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 12904, तो इसका राउंड ऑफ नंबर कितना होगा, 904 है ना, तो कितना हो जाएगा, अगर हम 100 पे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30, है ना, क्योंकि यहाँ पर 500 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13000 यानी 13000, और फिर इसका जो राउंड ऑफ नंबर होगा वो है 3000। ठीक, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 16000 आएगा। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट में देखिए 28292 का राउंड ऑफ नंबर होगा 28000, और इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा, 21, फिर 496 का होगा 21, है ना, क्योंकि ये 500 से कम है, 496 ही है, अगर 500 होता तो इसमें 2200 हो जाता। ठीक है, तो एस्टिमेट इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 7000, है ना। जीरो 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 जीरो, अच्छा डिफरेंस निकालना है, यानी यहाँ पर आपको डिफरेंस भी निकालना है, तो डिफरेंस में आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो था मेरा फर्स्ट वाला। अब हम अगला सेकंड में देखते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, इसका जो राउंड ऑफ नंबर है कितना है, 400 है, 439 का,
फिर 334 का राउंड ऑफ नंबर 300 है, और इसका 4370 का 43 है ना, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, एस्टिमेटेड सम कितना है 5000। अब यहाँ पर देखिए बी वाले में क्या है, डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर कितना है 10,187,000, तो यहाँ पर कितना इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखिए इसका जो एस्टिमेट नंबर है वो कितना 700, यहाँ पे 7,300 में आपको राउंड ऑफ करना है, 100 में, तो इसके 100 वाले आपको नंबर काउंट करने, ठीक है, ये मत कर लेना कि आप सारा कर लीजिए, देखिए 1s 10s 100, 100 कहाँ तक आ रहा है, 734 तक, तो आपको यहाँ पर 100 में आप 100 का इसका राउंड ऑफ निकालेंगे, तो 100 का जब हम राउंड ऑफ निकाला तो हमें यहाँ पर कितना हो गया 700, ठीक, क्योंकि ये 34 है यहाँ पे, यानी 50 से कम है, इसलिए 700 होगा। फिर यहाँ पर 599 है, तो यहाँ पर कितना कर दिया हमने 600, ठीक, इसका डिफरेंस निकाला तो कितना आ जाएगा 61,100 है ना, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यह इसका राउंड ऑफ कितना 8,325 का राउंड ऑफ कितना है, देखो 100 में लेना है 325 को ही काउंट करना है, तो यहाँ पर कितना है 300, क्योंकि ये 50 से कम है, 300 आया, 491 है तो 500, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, डिफरेंस कितना है 7,800, ठीक। अगला है यहाँ पर भी तुम्हें आपको क्या लेना है, 1s 10s 100, तो 348 का ही राउंड ऑफ निकालना है, तो 48 का राउंड ऑफ निकाला तो 300, क्योंकि 50 से कम है, ठीक है, तो 4,48,900,000, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 48,400 हो गया है ना, तो राइट आंसर कितना 44,09,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 3 में, तो यहाँ पर क्या है आपको क्या करना है, देखिए इसमें राउंड ऑफ निकालना है ना, तो 578 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 600, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर टेंस में हमें देखना है ना, वंस टेंस में, और जब थ्री से ज़्यादा डिजिट होंगे तो उसमें हमें 100 में देखना राउंड ऑफ निकालना होता है, तो 161 है तो यहाँ पर 200 हो गया। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी, जो आंसर आएगा वो आपका, ये आंसर आपका आ गया है 1,02,000 आंसर आपका आया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर टेंस में लेना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5,000, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 5,000, और यहाँ पर कितना हो गया 3,500, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करी तो इतना आंसर आ गया। फिर इसमें आपको इसका राउंड ऑफ निकालना है तो 1,300 हो जाएगा, इसका 600 होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डी वाले में भी सेम करना है आपको, पहले आपको क्या करना है, जैसे इसका है, इसका राउंड ऑफ कितना 10,000 आया है ना, और इसका कितना 30, मतलब टेंस का निकालना है केवल 29 का, तो 30, तो यहाँ पर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 3,00,000, ओके। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी 2.1, तो वो जल्द ही लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, आप लोगों के लिए हमने इस पर हिंदी के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश के भी करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी की हैं, और उसकी आज हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे चैप्टर 2 की, ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नहीं करवाई, चैप्टर रीडिंग हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप लोग लाइक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे इस बात में, मतलब मैं सोचूंगी कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का भी इंतज़ार करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।